खबर अलवर से। अलवर के एक निजी अस्पताल में एक वृद्ध महिला की मौत के मामले को लेकर उनके परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने करीब आधे घंटे तक अस्पताल के सामने रोड जाम कर दिया। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते रहे, जिससे यातायात काफी देर तक अवरुद्ध रहा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनकी मां की मौत हुई है। मृतिका के परिजनों और पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी भैया बताइए, क्या है मामला पूरा? मामला क्या है, मैं मेरी मदर को लेके आया था कल शाम को यहाँ पर। डेढ़ दो घंटे में तो मेरा नंबर आया यहाँ पर, फिर उसके बाद में भर्ती नहीं किया। ये कहा कि जांच आने के बाद में भर्ती करेंगे। जांच के लिए यहाँ पर एक भी लैब, ना तो लैब में ना काउंटर पे कोई आदमी नहीं था। इन्होंने यहाँ पर है ना दवाई लिख के और मेरे को घर भेज दिया कि आप सुबह जांच करवा लेना और सुबह भर्ती कर देंगे। सुबह 11 बजे यहाँ पर जांच करवाई है, जिसको 3:30 बजे तक इन्होंने टाइम दिया था। 3:30 बजे जाँच ना दे के इन्होंने 5 बजे जाँच दी है, और 5 बजे जाँच लेने के बाद में मेरे हाथ में लेके खड़ा रहा हूँ। और इन्होंने ये कहा कि उनका मेरे को टाइम मिलेगा जब देखूंगा मैं, इतने मेरे मरीज है ना, मतलब एम्बुलेंस में पड़ा रहा और ये एम्बुलेंस में पड़े पड़े मतलब मेरी मदर खत्म हो गई। और सब गलती इन लोगों की है कि इन्होंने बैठे आधे घंटे में भी, एक घंटे में भी जांच नहीं देखी मेरी, जबकि मैं जांच हाथ में लेके खड़ा रहा था। क्या नाम है आपका? घनश्याम। आपकी मदर क्या नाम है? कमला देवी जी। क्या मामला है बताइए? मामला ये है, मेरी दादी जी श्रीमती कमला देवी, हम उनको, वो बीमार थी, हम उनके चेकअप के लिए यहाँ पे आए परसों शाम को। वो थोड़ा सा उनकी हालत ज़्यादा हमको ख़राब लग रही थी, हम उन्हें लेकर आए। लेने के बाद हम यहाँ पर लगभग 500 रुपये की हमने पर्ची कटाई। डेढ़ घंटा हम यहाँ पे खड़े रहे, करीब रात ज़्यादा हो चुकी थी, तो इन्होंने कहा कि आप चेकअप करवा लो। उस समय पूरा स्टाफ खाली था यहाँ का, कोई भी मतलब कोई जो ब्लड सैंपल इन्होंने जांचने के लिए रखे थे, पूरा लैब खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। इन्होंने कहा था सुबह बैठेंगे, सुबह जांच होगी। सुबह हम यहाँ पर आए 11 बजे के समथिंग, एक घंटे में हमारा नंबर आया, 12 बजे तक हमने जांच करवाई, फिर इन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं खुद गया था और मेरी माँ, चाहे आप उनको दिखा सकते हो, मैं गया था, उन्होंने टाइम दिया था 3:30 बजे का, ठीक है। फिर मैं गया, इन्होंने सिर्फ मुझे एक्सरे के अलावा कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक एक्सरे दिया था, वो मैं लेके गया। फिर मेरे पापा जी आए यहाँ पे शाम को, वो अब यहाँ पे 5:30 बजे के समथिंग यहाँ पे से लेके गए हैं जो रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट लेके गए हैं, फिर वहाँ से मम्मी को, हमारी अम्मा जी को लेके आए, फिर यहाँ पर वो रिपोर्ट दिखाने के लिए 1-1.5 घंटा यहाँ पर एक्स्ट्रा खड़ा रहे हैं। इतने में हमारी अम्मा जी चल बसी। अब बताओ इसमें किसकी गलती है? डॉक्टर क्या बोल रहे, स्टाफ क्या बोल रहे हैं आपका? स्टाफ, हम आए थे परसों शाम को आए थे। एक गार्ड है, अगर मुझे दिखाया जाए मैं पहचान लूंगा। एक गार्ड ने हमसे साफ साफ कही है, अगर उसकी माँ की कसम अगर वो इस बात से पलट जाए तो, उसने कही है साफ साफ कि इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। सारे डॉक्टर, उसने ये दूसरी ब्रांच खोली है यहाँ पे एटारको सर्किट पे, यहाँ पर है सारे डॉक्टर, इधर बैठे, आप उधर चले जाओ। क्या नाम है आपका? नमन सैनी। वो एक महिला तुलेड़ा निवासी कमला देवी सैनी है, उसको परिजन इलाज के लिए हरीश हॉस्पिटल में लेकर गए थे, लेकिन वो हॉस्पिटल के बाहर ही उसकी डेथ हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने जो है लापरवाही बरती और उसका इलाज समय पर नहीं किया। इस पर जो है डेड बॉडी को यहाँ मोर्चरी में रखवाया गया है, और अब परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम के लिए गठित करवाया गया है, लेकिन अभी परिजनों में कुछ गतिरोध है, तो जिसके लिए समझाइश की जा रही है।